क्लास में अपन देखेंगे, क्लास 10th में जो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें से आज अपन एक डेफिनेशन को देखेंगे, एक तो कंपोजिशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ये देखो कि जो कंपोजिशन रिएक्शन होती है और डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, कंपोजिशन रिएक्शन को तो बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया और इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कंपोजिशन रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया और डीकंपोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया, इन दोनों को हिंदी में ये बोलते हैं। तो आज की क्लास में अपन जो कंपोजिशन रिएक्शन है और डीकंपोजिशन रिएक्शन है इनके बीच में डिफरेंस पता करेंगे, ये जो दोनों अभिक्रियाओं के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो कल की क्लास में अपने देखा था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट्स तो क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, ये अपन ने कल की क्लास में समझा था। एक रिएक्शन लेती और उसमें से अपन ने अभिकारक को इधर लिखा था और उत्पाद को इधर लिखा था, उसके बाद में अपन ने अभिकारक की डेफिनेशन पढ़ी थी, उत्पाद की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज की क्लास में अपन संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसमें किस प्रकार की रिएक्शंस आती हैं। ये जो आपकी रिएक्शंस है वो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अभी भी पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल भी याद करने हैं आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अपन सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया, और इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स, कल की क्लास में अपन ने अच्छे से देखा था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल लो, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड ने CO2 के साथ रिएक्शन की, बनाए CaCO3, इसे तो बोलते हैं अपन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसे बोलते हैं अपन उत्पाद, इसे तो बोलते हैं उत्पाद और इसे बोलते हैं अपन अभिकारक, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक, देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो या फिर दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपनी डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन ठीक इसके अपोजिट है, कंपोजिशन रिएक्शन के अपोजिट कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया ठीक विपरीत, ठीक विपरीत उल्टी, उल्टी क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें तो क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे CaCO3 है तो अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा CaO+CO2। तो इसके अपोजिट हुई कि नहीं हुई, इसमें सबसे इसमें तो क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट बन रहा था, इस प्रोडक्ट तो इसमें बन रहा है लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है और इसमें केवल एकल उत्पाद बन रहा है, इसमें एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं और इसमें केवल एक उत्पाद बन रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच में कि ऐसी अभिक्रिया, सबसे पहले वापस देखो संयोजन अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक, एक दो दो फिर उसके बाद में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि इसमें अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इनको अपन को अच्छे से याद करनी है, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है और एक एग्जांपल देखिए रिएक्शन लिख के भी समझाया है, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो एग्जांपल कोई सा देख सकते हो आप, CaO+CO2 = CaCO3। इसमें तो क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसके बाद में जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें छोटे छोटे अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं CaCO3। अब इसमें छोटे छोटे उत्पाद, एक CA हो गया और एक CO2 हो गया। आज की क्लास में अपन ने कंपोजिशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन को देखा कि ये होती क्या है और इनको एग्जांपल से भी देखा, एक रिएक्शन भी देखी और देख लो जैसे CaO ने H2O के साथ रिएक्शन की तो CaOH2 का निर्माण किया। यहाँ देखो CaO+H2O ने रिएक्शन करके क्या बनाया, CaOH2 का निर्माण किया। ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, अब आपको बताना है कि कौन से रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है या फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन अभिक्रिया है, अब आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि दो अभिकारक है, टू रिएक्टेंट्स है, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब कौन से अभिक्रिया है, कंपोजिशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि CaOH2 अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद निर्माण करता है, तो ये अभिकर्मक हो गया। अब ये टूटेगा किस किस में, एक तो हो जाएगा CaO+H2O में, ये टूट करके करेगा अभिकर्मक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करेगा, अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करेगा, तो ये किसके विपरीत अपोजिट हो जाएगी, ये हो गई आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन और ये हो गई कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को देखा, उनको अच्छे समझ में समझाया और आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।